नमस्कार, मैं हूं शिवानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज 23 जुलाई, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अवैध बालू खनन के खिलाफ सख्त हुई सरकार। राज्य में किया जाएगा महिला मोबाइल वैन गश्ती दल का गठन। जल संसाधन मंत्री ने किसानों के लिए दी अच्छी खबर। दिल्ली एम्स से घर लौटे लालू यादव। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने पंत कार्तिक को लेकर दिया बयान। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के रिक्त पदों पर निकाली रिक्तियां। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के रिक्त पदों को भरने के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों से आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री पास होना जरूरी है। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में 2 से 3 वर्षों तक का कार्य अनुभव भी होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 अगस्त 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार में अवैध बालू खनन के खिलाफ सख्त हुई सरकार। बिहार में अवैध बालू खनन एक बड़ी समस्या है। जिस समस्या का समाधान निकालने में बिहार की नीतीश सरकार लगातार कोशिश में लगी हुई है, लेकिन फिर भी बिहार में अवैध बालू खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिसके बाद ही अब इस मामले में सरकार ने और ज्यादा सख्ती दिखाने की बात कही है। जिसके तहत ही बीते दिन खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने यह जानकारी दी है कि जनवरी से जून तक 4,780 प्राथमिकी दर्ज की गई है। सबसे अधिक FIR सारण जिले में हुए हैं, जहाँ पर कुल मिलाकर 1,029 मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरे नंबर पर रोहतास है, वहां 281 FIR दर्ज हुए हैं। वहीं इस दौरान 97 पोकलेन, 45 JCV, 149 हाईवा, 2,143 और 5,880 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। वहीं अब पटना के साथ दरभंगा, बक्सर, भोजपुर, मधेपुरा, शिवहर, किशनगंज और सुपौल को जल्द ही ड्रोन मुहैया करवाने का काम किया जाना है, जिससे अवैध बालू खनन पर रोक लगाने में तेजी लाई जा सके। बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। एक समय था जब नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध थे। वर्तमान समय की बात करें तो बिहार के भागलपुर जिले का अंतिचक गाँव है, वहाँ विक्रमशिला थी। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर लगभग 160 विहार थे, जिनमें अनेक विशाल प्रकोष्ठ बने हुए थे। विद्यालय में 100 शिक्षकों की व्यवस्था थी। नालंदा की भांति विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बौद्ध संसार में सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इस महाविद्यालय के अनेक सुप्रसिद्ध विद्वानों में दीपांकर श्रीज्ञान अतीश प्रमुख थे। राज्य में किया जाएगा महिला मोबाइल वैन गश्ती दल का गठन। महिलाओं की सुरक्षा में अब देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी महिला मोबाइल वैन गश्ती दल का गठन किया जाएगा। इसके लिए डायल 181 की शुरुआत की जाएगी। दरअसल बीते दिन बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान यह बताया गया कि अन्य राज्यों की तर्ज पर अब बिहार में भी जल्द ही महिला मोबाइल वैन गश्ती दल का गठन किया जाएगा, जहां 181 पर आने वाली सभी शिकायतों पर विभाग के संबंधित पदाधिकारी एवं महिला पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मामले का निष्पादन करेंगे। सरकार की इस पहल से महिलाओं के साथ होने वाले आपराधिक मामलों में कमी आएगी। सरकारी अधिकारियों पर निगरानी विभाग ने फिर कसा शिकंजा। बिहार में सरकार के नाक के नीचे बन रहे धन कुबेरों को अब पकड़ने में निगरानी विभाग की टीम लग गई है। हर दिन के हिसाब से विभाग को काफी सफलताएं भी मिल रही हैं। इस बीच बीते दिन निगरानी विभाग की टीम को एक और बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत ही बीते दिन रिश्वत की रकम के साथ पूर्णिया जिला अंतर्गत धमदाहा अनुमंडलीय अस्पताल के प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक सुशील कुमार को पकड़ा गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सुशील कुमार को 20,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही बीते दिन की सिवान समाहरणालय के राजस्व विभाग में कार्यरत बड़ा बाबू जियाउल हक को निगरानी की टीम ने 1,00,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सीएम नीतीश ने वज्रपात को लेकर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। बिहार में लगातार हो रही वज्रपात की घटनाओं को देखते हुए बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई, जहां पर ही सीएम नीतीश के सरकारी आवास से एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में हुई इस समीक्षात्मक बैठक में वज्रपात के संभावित खतरों को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने और वज्रपात से जान जाने वाली घटनाओं में कमी लाने पर जोर देने को कहा है। इस दौरान ही बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन विभाग संजय कुमार अग्रवाल ने बताया
बताया कि बिहार में पिछले 5 वर्षों की तुलना में इस वर्ष वज्रपात से होने वाली मौत की घटनाओं में कमी देखी गई है। जून 2020 में वज्रपात से बिहार के कुल 144 लोग, जून 2021 में 92 लोग, जबकि इस साल यह संख्या घटकर 74 हो गई है। जुलाई 2020 में वज्रपात से हुई मौत की कुल संख्या 158 थी, जुलाई 2021 में 70 और जुलाई महीने में अब तक कुल 39 लोगों की वज्रपात से जान जा चुकी है। बिहार के सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर के लिए जारी हुआ नया फरमान। बिहार के सभी सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर के लिए बीते दिन सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है। दरअसल हाल ही में पथ निर्माण विभाग ने सड़कों के रखरखाव को लेकर मॉनिटरिंग की नई व्यवस्था पूरी तरह से IT आधारित कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत ही अब फील्ड में तैनात सहायक अभियंता को हर 14 दिन पर और जूनियर इंजीनियर को हर 7 दिन पर अपने इलाके की उन सड़कों की तस्वीर मुख्यालय स्थित मॉनिटरिंग सेल में भेजनी होगी। ऐसा नहीं करने पर सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर की मुश्किलें तक बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब इन अधिकारियों को तस्वीर तारीख के साथ भेजनी होगी, क्योंकि ऐसी कई शिकायतें आ चुकी हैं कि अधिकारी मनमाने अंदाज में तस्वीर भेजने का काम करते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। बिहार विधान परिषद के नव निर्वाचित 7 MLC ने ली शपथ। बिहार विधान परिषद के 7 नव निर्वाचित सदस्यों ने बीते दिन पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। इसको लेकर बीते दिन बिहार विधान परिषद में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में बिहार विधान परिषद के 7 नव निर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली है। इनको सभापति अवधेश नारायण सिंह ने शपथ दिलवाया। वहीं जिन सदस्यों ने शपथ ग्रहण करने का काम किया है, जिसमें जदयू के आफाक अहमद खान, रविन्द्र प्रसाद सिंह, भाजपा के अनिल शर्मा, हरी सहनी और RJD के अशोक कुमार पांडे, मुन्नी देवी और मोहम्मद सोहेब का नाम शामिल है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सैयद एहतेशाम हसनैन की। सैयद एहतेशाम हसनैन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में जैविक विज्ञान के विशिष्ट प्रोफेसर हैं, जो दिल्ली भारत में एक अकादमिक विज्ञान नीति सलाहकार और संस्थान निर्माता हैं। हसनैन ने टेक्सास A&M विश्वविद्यालय US में कई साल बिताए और 1987 में भारत लौटा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में एक कर्मचारी वैज्ञानिक के रूप में काम करते हैं। हसनैन को फरवरी 1999 सेंटर फॉर DNA फिगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2005 से 2011 तक हैदराबाद विश्वविद्यालय के 7वें कुलपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2 सितंबर 2016 को जामिया हमदर्द नई दिल्ली के कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला था। दिल्ली एम्स से घर लौटे लालू यादव। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स में इलाजरत थे। हालांकि अब लालू प्रसाद यादव की तबीयत में अब पहले से काफ़ी सुधार है। इसके बाद दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है, जिसके बाद लालू यादव अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पहुंच गए हैं। वहीं लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने कई तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और मीसा भारती की बेटी नज़र आ रही है। बिहार के इन जिलों में बारिश होने के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। शुक्रवार को मौसम विभाग की तरफ से दिन भर बारिश को लेकर अलर्ट जारी होता रहा है। बता दें कि राजधानी पटना के साथ ही उत्तर और दक्षिण बिहार के ज्यादातर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें तेज बारिश के साथ ही वज्रपात की भी संभावनाओं को जताया गया था। बता दें कि शुक्रवार की देर शाम तक सारण, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, बक्सर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, नालंदा, शेखपुरा जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। राजधानी पटना में दोपहर के बाद आसमान में बादल छाया रहा। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 23 जुलाई को एक बार फिर से बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि 25 जुलाई के बाद से बिहार में मॉनसून कमजोर हो सकता है। बिहार के 10 ANM कॉलेजों में बढ़ी इतनी सीटें। बिहार के सभी सरकारी ANM कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने पर जोर देने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत ही 10 ANM प्रशिक्षण स्कूलों में खबर के अनुसार 335 सीटों को बढ़ाने का काम होने वाला है। इसके साथ ही पटना और गया के एक एक सेंटर में 20 और 40 सीटों की कटौती होने वाली है, जो कि सत्र 2023-25 से लागू होने की उम्मीद है। इसको लेकर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं महेश्वर प्रसाद की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अलग अलग जिलों में सीट बढ़ाने का काम किया गया है, जिसकी संख्या अलग अलग जिलों के हिसाब से अलग अलग है। विष्णुदेव नारायण सिंह जी के निधन पर मुख्यमंत्री ने व्यक्त की शोक संवेदना। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विष्णुदेव नारायण सिंह जी का अहम योगदान रहा है। विष्णुदेव नारायण सिंह जी ने बीते दिन अपने जीवन के अंतिम सांस ली। विष्णुदेव नारायण सिंह जी के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव नारायण सिंह जी का निधन दुखद है। स्वर्गीय विष्णुदेव नारायण सिंह जी 14 वर्ष की आयु में, यानी सन 1939 में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। वे बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी संगठन के अध्यक्ष तथा गया
में चितखौर टिकारी निवासी थे। जिला प्रशासन गया को स्वर्गीय विष्णुदेव नारायण सिंह जी के अंतिम संस्कार हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया गया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे तथा उनके परिजनों एवं प्रशंसकों को धैर्य धारण करने की शक्ति दे। जल संसाधन मंत्री ने किसानों के लिए दी अच्छी खबर। बिहार में पिछले दो दिनों से राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश जरूर हो रही है, लेकिन फिर भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी सूखे जैसी स्थिति है और जहां बारिश हो रही है वहां भी पर्याप्त नहीं है। किसानों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। इस बीच जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अच्छी खबर दी है। उन्होंने कहा कि हम लोग रिहंद और वानसागर से अधिक पानी लेने की कोशिश कर रहे हैं। वानसागर से 12,000 क्यूसेक पानी ले रहे हैं। वहीं रिहंद जलाशय में पानी के लिए यूपी सरकार से मैंने बात भी किया था। रिहंद जलाशय से पानी लेने के लिए पहले से होता है। रिहंद में 2624 क्यूसेक पानी पिछले 5 दिनों से आ रहा है। इसके अलावा हम लोग गंडक और अन्य नदियों की नहर में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। 2023-25 के एकेडमिक सत्र में बिहार की यूनिवर्सिटी में लागू होगा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। 2023-25 के एकेडमिक सत्र में बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होने जा रहा है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत विद्यार्थी अपनी रुचि और उद्देश्य के आधार पर पाठ्यक्रम चुन सकेंगे। साथ ही अंडर ग्रेजुएट की कक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जा सकता है। वहीं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार के विश्वविद्यालयों को समय पर परीक्षाएं आयोजित करने और रिजल्ट प्रकाशित करने का अनुरोध किया है। वहीं अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति को शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर एक समिति का गठन करने का सुझाव भी दिया है। पूर्णिया से हवाई यात्रा शुरू करने को लेकर सांसद ने उड्डयन मंत्री से की मुलाकात। बहुप्रतीक्षित पूर्णिया हवाई अड्डे से हवाई यात्रा शुरू होने को लेकर एक बार फिर से पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले। सांसद ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से राजीव गांधी भवन स्थित मंत्रालय में मिलकर ज्ञापन सौंपा। इसमें सैन्य हवाई अड्डा चूनापुर से बहुप्रतीक्षित नागरिक विमान सेवा आरंभ कराने की मांग की। सांसद संतोष कुशवाहा ने मंत्री को बताया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब शीघ्रता से टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण की आवश्यकता है। रेल मंत्री ने बताया अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन के दौरान रेलवे को कितनी हुई क्षति। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में पिछले महीने मध्य जून में विरोध प्रदर्शन किए गए। बिहार में भी जमकर इसके खिलाफ प्रदर्शन देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी सहित निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। इसमें सबसे अधिक नुकसान रेलवे को हुआ है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते दिन राज्यसभा में यह जानकारी दी है कि अग्निपथ योजना के विरोध में हुए आंदोलन के चलते रेलवे की संपत्ति को 259.44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि देश में बड़े पैमानों पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। इसमें बिहार में व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। क्रॉस वोटिंग को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का विपक्ष पर कटाक्ष। मीडिया में चल रही रिपोर्ट और विपक्षी पार्टियों के दावों से यह कहा जा रहा है कि 18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। वजह जो भी हो, लेकिन एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने रायसीना की रेस में यशवंत सिन्हा को भारी मतों से हराकर जीत दर्ज की। इस बीच क्रॉस वोटिंग को लेकर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष कभी भी एकजुट नहीं हो सकता है, सभी अपने अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। आने वाले चुनाव में भी विपक्ष एकत्र नहीं हो पाएगा। वहीं 2024 के चुनाव को लेकर कहा गया है कि हम एक साथ हैं, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। जगदानंद सिंह ने आज विधायकों के विश्वासघात पर तोड़ी चुप्पी। बिहार की राजनीति में जोड़ तोड़ की स्थिति हमेशा से देखने को मिलती रही है। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला, जब ऐसी खबरें बाहर आईं कि राजद के 8 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का काम किया है, जिसके बाद ही अब जगदानंद सिंह के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। बीते दिन मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान जगदानंद सिंह ने कहा कि जो खबर आ रही है उसका पता लगाया जा रहा है, जल्द ही पहचान की जाएगी। वहीं राजद के विधायकों के साथ आने के बयान पर उन्होंने कहा कि एक दिन हमारी पार्टी का कार्यकर्ता भी बोल रहा था, भाजपा के 10 विधायक हमारे साथ हैं। बीजेपी के आरोप पर उन्होंने कहा कि जो मन में आएगा सो बोल देगा। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की हुई घोषणा, छात्राओं का रहा दबदबा। सीबीएसई ने बीते दिन 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी है। इस परीक्षा में इस बार छात्राओं ने बाजी मारी है। परीक्षा में 94.54% छात्राएं और 91.25% छात्र पास हुए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट 98.93% रहा है। वहीं केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट 97.04% रहा है। इस साल कुल 92.71% अभ्यर्थी पास हुए हैं। 12वीं के परिणाम में दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले
वाली बुलंदशहर की छात्रा तानिया सिंह ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। वहीं 10वीं कक्षा की बात करें तो 10वीं में 94.40% छात्रों को इस साल सफलता मिली है, जिसमें CBSE 10वीं में मयंक यादव टॉपर बने हैं। मयंक ने 100% अंक हासिल किए हैं। CBSE की ओर से जारी 10वीं के रिजल्ट में इस साल 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की भरमार है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। सरहिंद में सिकंदर सूरी को हराकर मुगल शासक हुमायूं 23 जुलाई 1555 में दिल्ली पहुंचा। भारत में नियमित रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में मुंबई से हुई। हिटलर ने 23 जुलाई 1942 में स्टालिनग्राद पर कब्जा करने का आदेश जारी किया। 1944 अमेरिका की सेना ने इटली के पीसा पर कब्जा किया। 1999 जापान की गणितज्ञ दार्शनिक और उग्र राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक लक्ष्मण प्रसाद दुबे का निधन 23 जुलाई 1993 को हुआ था। आज ही के दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने पंत कार्ती को लेकर दिया बयान। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि भारत को आगामी T20 वर्ल्ड कप टीम में ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक दोनों को शामिल करना चाहिए। पॉन्टिंग के अनुसार दोनों विकेटकीपर बल्लेबाज अपने टॉप फॉर्म में हैं और दोनों की मौजूदगी भारतीय टीम के लिए फायदेमंद रहेगी। ICC रिव्यू पर बात करते हुए पॉन्टिंग ने कहा कि वो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की जगह पंत और कार्तिक को टीम में शामिल करेंगे। ICC रिव्यू पर पॉन्टिंग ने कहा कि हमने देखा है 50 ओवर के क्रिकेट में ऋषभ क्या करने में सक्षम है और मुझे पूरी तरह से पता है कि वह T20 खेल में क्या करने में सक्षम है। दिनेश कार्तिक ने हाल ही में अपना सर्वश्रेष्ठ IPL किया है। ऋषभ बल्लेबाजी करने के लिए उस 3-4-5 रेंज में और दिनेश और शायद हार्दिक पांड्या हैं बहुत बहुत खतरनाक। गूगल फोटोज़ के नए फीचर की मदद से आप लॉक कर सकते हैं अपने फोटोज़ और वीडियोस। एंड्रॉयड फ़ोन में मिलने वाली गैलरी ऐप सुविधा गूगल फोटोज़ ने एक नया फीचर अपने में जोड़ा है। इसके जरिए आप अपने फोटोज़ और वीडियोज़ को बैकअप रख सकते हैं। आपको बता दें कि ऐप को हाल ही में अपडेट किया गया है, जिसके जरिए लॉक फोल्डर फीचर जोड़ा गया है। इस फीचर के जरिए आप अपनी प्राइवेट फोटोज़ और वीडियोज़ को लॉक कर सकते हैं। कई बार हम दोस्तों और परिवार को फ़ोन देते हैं, ऐसे में वो हमारी प्राइवेट गैलरी को देख सकते हैं। यहीं पर लॉक्ड फोल्डर काम आएगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन दिल्ली में हुआ। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से सेरेमनी का आयोजन नहीं हो पाया था। हालांकि पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, वहीं बीते दिन फिर से पुरस्कारों का ऐलान किया गया, जिसमें बेस्ट एक्टर के लिए सोरा राई पोदरू के लिए सूर्या और तानाजी के लिए अजय देवगन को अवार्ड मिला है। वहीं बेस्ट फीचर फिल्म सोरा राई पोदरू, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी सुप्रतिम भोल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली, वहीं बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बालमुरली को अवार्ड दिया गया है। बिहार में मिले COVID-19 के 400 से कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 345 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2253 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 9, औरंगाबाद में 2, बांका में 4, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 11, भोजपुर में 4, दरभंगा में 9, गया में 8, गोपालगंज में 2, जमुई में 2, जहानाबाद में 12, कैमूर में 7, खगड़िया में 11, किशनगंज 6, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 6, मुंगेर में 6, मुजफ्फरपुर में 9, नालंदा में 18, नवादा में 3, पटना में 129, पूर्णिया में 11, रोहतास में 11, सहरसा में 15, समस्तीपुर में 2, सारण में 9, शेखपुरा में 6, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 2, सुपौल में 18, वैशाली में 5 और पश्चिम चंपारण में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 6 ऐसे मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,09,576 सैंपल की जांच की गई है। इस दौरान 417 मरीज ठीक होकर भी घर वापस लौटे हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजय शर्मा, शंकर मुखिया, गौतम कुमार, उमेश ऋषिदेव, जयनंदन ठाकुर, रोहित कुमार, गोविंद राज, अनमोल पुष्कर, सुनील लकी, रवि रंजन कुमार और अंकित राज। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अब तक चुने गए राष्ट्रपति में से आपके सबसे पसंदीदा राष्ट्रपति कौन से हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।